न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से हरा दिया। लेकिन वहीं इसी मुकाबले में लॉकी फर्गसन ने शानदार गेंदबाजी की और 3 विकेट लिए, इसलिए उन्हें प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया गया। लेकिन वहीं इसी मुकाबले में केन विलियम्सन ने 78 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन फिर भी उन्हें ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। दरअसल जब बांग्लादेश की गेंदबाजी चल रही थी तभी केन विलियम्सन 1 रन के लिए भाग रहे थे, उसी समय बांग्लादेश के बॉलर ने बॉलर एंड पर थ्रो किया। ऐसे में केन विलियम्सन के बॉल हाथों में लगी और वह इतने ज़्यादा दर्द में नजर आए कि उन्होंने तुरंत ही बैट को फेंक दिया और दर्द में नजर आए। ऐसे में न्यूजीलैंड के फिजियो मैदान में आए और फिर केन विलियम्सन को देखा कि उनको चोट कहाँ और कितनी लगी। तुरंत ही उनका उपचार शुरू किया